लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव मानस में तो सीधे धरातल पर सर्वे दिखावेंगे कि आने वाला सांसद कौन होना चाहिए। केजरीवाल हमारा प्यारा है, उसको हम वोट देंगे, उसको जितवाएंगे, जडल हमारी पार बिछावेगी। वोट सपोर्ट है, सारी चीजा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। जिस आदमी का चेहरा देख जाए भाई चलो इसकी जीत काटेंगे, तो मैंने ऐसा देखा है सुशील गुप्ता बहुत ही अच्छे आदमी है जी। अब वोट देंगे बीजेपी ने, तमाम तो सारी जिंदगी में कच्चा में फ्री कर दे, ये पक्का बताना। ऐसे है अभय सिंह चौटाला तो एक वोट काट सिस्टम है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। यही जो कांग्रेस और आपका कैंडिडेट है इसी की विजय के चांस है। जिस तरह किसानों का उसने सहयोग दिया नहीं आम आदमी पार्टी ने, किसी ने ना तो बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया ना कड़े काला दिन नोटबंदी जी कई कहते नोटबंदी में सी गरीब बंदी नहीं करे हैं गठड़ी दर के दल ने बिहार ने कहते सबड़ी का अच्छा चेहरा अपने ऊपर को लगाए कर दे पीछे मैं लोड चलाए थे 2000 फिर कहते बंद करे। पहले तो लिस्ट में लगी खोटी पे लागे कर दी अरीब घर लग गए। एक ग्रुप डी ने देखा रहे उसमें वाबा ही लुटने की कोशिश है। अब टहला तो कुछ भी हो तो फिर बंदा बंदा कुछ जितने ठेकेदार थे शहर के भी नहीं होते थे एक भी ठेका कुछ इस हल्का कहते हैं देर क्या हो कोरल कहता सब ठेकेदार है आज लिस्ट खोल ले जो भी काम बने रहा होगा कांग्रेस की सरकार में सब नरवाना का ठेकेदार मिलेगा। हमने पूरा ठान लिया जी सुशील गुप्ता को लाएंगे बस केजरीवाल को लाएंगे हरियाणा को चमकाएंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांव मानस में तो सीधे धरातल पर सर्वे दिखावेंगे कि आने वाला सांसद कौन होना चाहिए। यदि इंडिया गठबंधन की बात करा तो इंडिया गठबंधन की तरफ तय सुशील गुप्ता मैदान में आ चुके हैं। इनालो की तरफ तय भी अभय सिंह चौटाला मैदान में कुरुक्षेत्र लोकसभा तय आ चुके हैं। और यदि बात करा बीजेपी की तो बीजेपी ने अब तक कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है। गांव में तय सर्वे करेंगे कि आने वाला सांसद कौन सा होना चाहिए। केजरीवाल के क्यों देगा क्या दे मारा मन में बस रहा हो मारा प्यारा हो के दिल्ली गए थे आंदोलन में मारी मदद करी होती। हाँ मदद खट्टर ने तो पहले दी, कील कटवा दी थी सुन कट्टर की मान ने सब मशीन फुट्टी मोड़ दी थी। केजरीवाल मारा प्यारा है, उसको हम वोट देंगे, उसको जितवाएंगे, जडल हमारी पार बिछावेगी। केजरीवाल की तरफ तय सुशील गुप्ता मैदान में आएगी तो सुशील गुप्ता की वोट सुशील गुप्ता से देंगे। फिर जो केजरीवाल से कह रहे हैं मतलब केजरीवाल के वोट है सारे उनको देंगे। सारी नगरी 70% उसके हैं ने बीजेपी देख ली वोट दे के ने बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस तो वोट दे के देख ली बीजेपी मारा भगवान है कांग्रेस भी भगवान है मान तो इसमें दिल टिक गया हमारा तो आम आदमी में दिल टिक गया। हाँ ना जड़े जग बस गया और सब बस गया। हाँ बस बस उरे माने नजारा है गया। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? महावीर है जी, गांव मान। महावीर जी, हाँ जी, कैसा देखते हो यदि 5 साल की बात करा तो पिछला सांसद ने कितने काम करवा पाए? गाँव ऐसा है जी, नयाब सैनी ने देख लियो या बीजेपी सरकार ना काम नहीं हुई है जी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुई। क्या हो गया 5-4 सड़क बनाए दी लेकिन आज तक विधायक बनकर गांव में आके नहीं देखा, लोग आई सुध नहीं ले। ईव इलेक्शन में फिर आएंगे बाद जी, ईव तो आ जाएंगे लेके वोट फिर अपना बोड़ा गांव में बढ़ते को नहीं आ जड़े। ईब इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशील गुप्ता जी हैं, वीजा बना के भेज जाएंगे जी, पूरी मजबूती तक डट के खड़े हैं जी। कांग्रेस की सरकार देख ली, बीजेपी की देख ली, तो आम आदमी का नहीं कितने के रुख देखो युवाओं का? आम आदमी का नहीं जी, पूरा रुझान है लोगों का, वोट है, सपोर्ट है, सारी चीजा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं जी। जो कांग्रेस का देखो जी, जो हाईकमान ने फैसला लिया भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है वो तो, लेकिन अपना भी मानना पड़ेगा जो हाईकमान का फैसला हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी की या सीट कुरुक्षेत्र वाली क्लियर है, पूरे वोटों का पूरा बहुमत है, जितया के भेज जाएंगे किसी की। देखो आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता ने भाई काम करवा पाए, बहुत अच्छे जी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं जी, आराम से बात करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं जी, जमा टिकियाई से बात करें जी, पूरी सपोर्ट था। गांव राम ने एक बात कही है जी, पूरा सी होगा आम आदमी पार्टी को, पूरे बहुमत तय बना के भेज जाएंगे जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी? मिया सिंह जी। मिया सिंह जी, कैसा देखते हो जो आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता? ये तो जी 100 बटा 100 नंबर आवेंगे सुशील गुप्ता। सौ में तो 100 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो जीत आप कही रहे हैं जीत का ना काम करा तो उसके तो 100 के 100 है, लेकिन अब तो नया है यू कैंडिडेट अपने लिए, तो अपने लिए भी पूरी 100 की 100 जीत है जी पक्की।
कहीं ना कहीं अभय चौटाला भी मैदान में आ चुके हैं। किसानों का इतना ऐसी मानी जावे। देखो जी मैंने सारे पिता का देख लिए लेकिन आज तक कोई काम नहीं आया। लास्ट में फिर ना कोई काम बनया। सारे पत्याके देख लिए लास्ट में कौन याद आया? लास्ट में फिर वही बात है जी, जिस आदमी का चेहरा देख जाए भाई चलो इसकी जीत काटेंगे, तो मैंने ऐसा देखा है सुशील गुप्ता बहुत ही अच्छे आदमी है जी, अच्छे स्वभाव का, ना कोई ज्यादा बक मारनी है, आराम से जो भी बात करिए तो अच्छी बात करी है। तो यदि आने वाला सांसद देखो तो किसको देखो करो? बस देख लिया मैंने तो जी सुशील गुप्ता। हाँ देख लिया जी, पूरा मन बना के ना पूरा मन बना के जी पूरा के मन पूरा तब लिखा दिया। हाँ क्या नाम है भाई जी? धर्मवीर है जी। कहाँ से हो? गांव मानस से जी। किसे की देखो यदि अगला सांसद देखो तो किसको देखो? सुशील गुप्ता को जी। सुशील गुप्ता में कई खासियत देखी आपने? खासियत इस तरह देखी जी, बिल्कुल टिकाई से बात करनी, ऐसे बात करनी जैसे कोई घर का सदस्य हो। नई पार्टी है जी, नया चेहरा, हमने पूरा ठान लिया जी सुशील गुप्ता को लाएंगे बस पूरा गांव ने। 10 साल पहले की यदि बात करा तो अपने 10 साल पहले अपने नवीन जिंदल थे जी। सांसद बहुत अच्छे काम करे हैं, गरीब बुजुर्गों का चश्मे दे हैं, दवाई दे हैं, अंखा की बहुत अच्छा काम करे। यदि नवीन जिंदल का परिवार में तो कोई आ जाता है तो फिर कितने की देखो सुशील गुप्ता की? कोई दिक्कत नहीं है जी, देखो वैसे तो राजनीतियां चलती रहेगी, सुशील गुप्ता को कोराने वाला नहीं है अभी, उसके मुकाबले में नहीं है। बीजेपी भी डरी हुई है, अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है मैदान में, बट डिस्कस चली हुई, कभी किसी को उतार दे कभी किसी को। सुशील गुप्ता जी को हराने वाला अभी तक उनको कोई मिला नहीं है कैंडिडेट। नहीं ग्रुप डी की कोई नौकरी है? ग्रुप डी ने नाम कर कर कमा लिया। जो एचपीएससी का चेयरमैन है वो बाहर का है, जितने कैंडिडेट है वो सारे बाहर के लगने लग रहे हैं। अपना हरियाणा का तो सारा ही कोटा ही खत्म कर दिया, बेरोजगारी तो उसमें फैला दी ना। कहां एक ग्रुप डी ने देखा रहे, उसमें वाहवाही लूटने की कोशिश है। तो आगे फिर यदि विकास की बात करा तो नुगेरा मैंस में तो नुगेरा प्रेरित है, जाल बिछा दिया सड़कों का, वो कटे बिछा दिया हर गांव में। विधायक लीला राम जी कह रहे हैं हर गांव में पक्के कर दिए। ये तो एक सारे एक मानस मानस में थोड़ी है, तो चारों ओर रखा, ये तो चारों ओर है। इंडिया गठबंधन तय, सुशील गुप्ता मैदान में आ गए, बीजेपी का अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं, अभय सिंह चौटाला आ गए मैदान में। किसानों के तय से भी माने जाओ अभय सिंह चौटाला कितने किस ताप भाई कौन सा जीत पाओगे? ऐसे है अभय सिंह चौटाला तो एक वोट काट सिस्टम है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। यही जो कांग्रेस और आपका कैंडिडेट है इसी की विजय के चांस है। अगला सांसद किसको बनाना चाह रहे हो? सांसद तो अपना कुरुक्षेत्र तो ये बनेगा गुप्ता। गुप्ता ठीक है बंदा। तो आगे और जरूर बातचीत करांगे, लेकिन अपना भी कमेंट में राय जरूर दे दियो किसे के देखो सांसद ने कौन सांसद होना चाहिए जी। नमस्कार जी। नमस्कार। के नाम है जी? नफे सिंह। नफे सिंह जी किस्ती देखो यदि कितने एक विकास करवा पाई है 9 साल में बीजेपी? इसके मारा तो ये पसंद को सही तो पूछ मेरे मन की तो पूछे थे मेरे नहीं कभी भी पसंद आया ये गम में गाड़ा के काम स्टीरियो करके के थे पंचायत के काम रोक करके सारे कौन नहीं पसंद आया? मोदी नहीं पसंद आया, खट्टर नहीं पसंद आया, कि सरकार नहीं पसंद आया, सरकार या तो सरकार है या नहीं पसंद आई मारे तो पसंद नहीं आई ना। सर हुए थे 9 के 9 सर हुए थे 9 के 9 में तो न्यू गीत गाऊ इसके सारा सारा देश मेरा मन की पूछे किसान के तो कहनु मैंने बहुत काम कर दिया हर पोर्टल पे जो सचिवालय पूरे करे हैं कड़े काला दिन नोटबंदी के कटे नोटबंदी में सी गरीब बदीन करे हैं गठड़ी दरखे तलने बयाल ने कहते सबड़ी का अच्छा से तो अपने ऊपर को लिखा दे करते पीछे मारे भर के गरीब नहीं बयाल ने फिर आते लाइन में खड़े होकर तड़की फिर लाइन में लग दे जाकर नोटबंदी के कटे सी मैं लोट चलाए थे 2000 फिर कहते बंद करे। अरे यदि बात करा तो न्यू कहने पीछे एक एक चीज गल है आई किसी का फिर उसका वो भी ठीक है किसान आता है तो वो भी है दूसरा भी अभय सिंह चौटाला भी है फिर अभय सिंह टहला तो कुछ भी हो तो फिर बनता बनता को नहीं हो आई समझ में और फिर तीसरा उड्डा और कांग्रेस का है चांस तो बनने का। नाम क्या है भाई? बीरा भाई। बीरा किस्ती देखो यदि आने वाला सांसद कौन होना चाहिए? मुनीम जिंदल ने नवीन जिंदल होना चाहिए। नवीन जिंदल तो बीजेपी की तरफ तक कैंडिडेट है वो उसका आ भी जाए या उसका परिवार में तो कोई आ सके इब तक कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा हाँ। वोट देंगे बीजेपी ने? बीजेपी का वोट देंगे। बीजेपी का क्यों वोट देना पसंद करोगे? मेरा लड़का ले दिया और काम सदान ले गई कणक ने बदान ले गई फसल आए गिरा बढ़िया बिकन ले गई इस बार की सरकारों नहीं
और यदि सड़क की बात करा तो सड़क का भी मैं तो जाल साहब छह दिया जाल साहब मन तो सारी जिंदगी मैं कच्चा में फिरी कर दे पक्का में टलना मल्ला के गोडे फूट गए थे इनके अरे पक्का में चल रहा है अठारह फुट का रोड बन दिया बालका की बात करा तो मैं बारह छोरे ग्रुप डी में बिना का भीतर ज्वाइनिंग कर लिया हाँ, कर ली ना बिना खर्ची बिना पर्ची हाँ, एक पीसा ले गया किसी का बड़ा धक्का छोरे ले गए और के यार और लग गई वे नुका पहले तो नुका मैं ले गई नुका पूरे नुका गोडे पहले तो लिस्ट मैं ले गई खोटी पे लागे कर दी अरीब घर लग गए जिसका छोरा उसे का घर लिस्ट लग गए पाछा सी भर्ती आई थी नुहत रात ने राम ते सोए दर सवेरे नौकरी की तड़की किदा पाटिया पाया सारा टाबर कुछ होया रात ने सोए दे फलाना का भी लग गया फलाना का भी लग गया दिकड़ा का भी लग गया कोरे हलवे चढ़े काम में अग्नि तो फिर सरकार यदि देखो तो ये सरकार इस वर्गी सरकार को नहीं बीजेपी हाँ बीजेपी 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 वर्गी सरकार को नहीं है किसती देखो अगला सांसद कौन पसंद करोगे सबसे बढ़िया पार्टी का तो आम आदमी पार्टी का सांसद भी आवे जो वो काम कर सके हाँ ना तो यह कर सकती कांग्रेस ने ना कोई आजल काम करे हमारा 20 साल 25 साल राज करके 16 साल तो नरोला राज करके तीन गोलियां की सारा गांव ने मांग करी थी भाई और गांव का हमारा कोई मैंने इसका काम ना करे आज तक उसने कोई गोला नहीं बनाया जबकि और रोडवेज मंत्री मंत्री भी रह लिया कौन सा गोला की बात करे उन्होंने गोले तो टैल वाला एक फरस माजरा वाला टैल वाला तो तैयार हो रहा गोला चल तैयारी बह कई सरकार में हो या उस 16 साल में नहीं कराया गया कांग्रेस ने जमा नहीं कराया हमारा गांव की सिर्फ गांव ने बटला वो कई तीन बड़ी चार बड़ी मांग करी है तो फिर तो बीजेपी सरकार बढ़िया है बीजेपी ने बना दिया बीजेपी सरकार ठीक है जी फिर नहीं हुआ जिस तरह किसानों का उसने सहयोग दिया नहीं आम आदमी पार्टी ने किसी ने ना तो बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया ना और कोई गल्ला खड़े हो या कोई भी पार्टी किसानों का गल्ले नहीं खड़ी हुई बीजेपी वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार ने साथ दिया किसानों का उस टाइम भी इन एलो था ने देख ली कांग्रेस देख ली बीजेपी देख ली आम आदमी पार्टी आ गया ये सरकार आ जाए पार्टी आवा जे वहां कुछ न कुछ कर सके और नहीं कांग्रेस ने तो उरे 16 साल ही करे नहीं बताए काम में एक चीज भी काम कर क्या कोई धर्मशाला बनाए रखी हो रोड बनाए रखे हो स्कूल बनाए रखे हो कोई स्टेडियम बनाए रखे हो कोई पार्क बनाए रखे हो 16 साल में हुए रहे नहीं बाबू बेटा उरे जितने ठेकेदार थे शहर के भी नहीं बताए एक भी ठेका कोई इसल कहते हैं देर क्या हो को रल कहते हैं सब ठेकेदार आज लिस्ट खोल ले जो भी काम बने रहा होगा कांग्रेस की सरकार में सब नरवाना का ठेकेदार मिलेगा।